हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनूदर आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए आज इस सीरीज़ में मैं आपको एक छोटी सी बर्ड बनाना सिखाती हूँ। देखिए, फेल्ट की ये मैंने बर्ड बनाई है, बहुत छोटी सी। मैंने मल्टी कलर में बनाई है, आप सिंगल कलर या दो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये कलर्स थे तो मैंने मल्टी कलर में बनाया है, और आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगी है, क्यूट लगी है। तो इसका जो ड्राफ्ट है वो आपको, जो पैटर्न है, कटिंग है, वो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा, www.renuscreativehub.com। वहाँ पर फ्री है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट लेके आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सुंदर सी बनी है, छोटी सी मल्टी कलर की मैंने बर्ड बनाई है। तो आप भी बनाइए इस तरह से, और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, वो भी घर बैठे इस तरह के सॉफ्ट टॉयज़ बना सके। कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कमेंट से। तो चलिए शुरू करते हैं छोटी सी क्यूट सी फेल्ट की बर्ड बनाना। बर्ड के लिए मटेरियल देख लेते हैं। सबसे पहले तो कटिंग पैटर्न, जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com, वहाँ पर फ्री है, वहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकाल के A4 साइज़ में और कटिंग इस तरह से कटिंग करके आप यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद आपको कपड़ा चाहिए। कपड़े में देखिए, मैं मल्टी कलर की बना रही हूँ, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही कलर फॉलो करें, जो भी आपके पास कलर हो आप उससे बनाइए। तो मैं इसमें ले रही हूँ येलो। मैं इसको कोई चाहिए मुझे 20 सेंटीमीटर। ब्लू साथ में ले रही हूँ, ब्लू भी मेरे को 20 सेंटीमीटर चाहिए। और बहुत छोटा सा एक टुकड़ा मेरे को वाइट का चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत छोटा सा टुकड़ा, 5 सेंटीमीटर के करीब। और बहुत ही छोटा सा टुकड़ा एक रेड फेल्ट का। तो ये मैं फेल्ट ले रही हूँ सारे, आप वोल्वो फेल्ट किसी से भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको पॉलीफाइबर फाइबर वूल चाहिए, ये कोई आपको 50 ग्राम्स के करीब चाहिए, 50 ग्राम पॉलीफाइबर। सिलने के लिए आपको सुई धागा चाहिए। तो जो जो कलर्स हैं, मैं वो सारे कलर लिए हुए हैं, आप मशीन से भी सिल सकती हैं। मार्क करने के लिए चौक और पेंसिल, टेलर चौक या पेंसिल जो भी आपके पास हो, सीजर, कैंची कट करने के लिए, और बहुत छोटी सी आईज़। आप आइज़, अगर आपके पास छोटी नहीं मिलती है तो आप आइज़ की जगह बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे बटन्स भी लगा सकते हैं ब्लैक कलर के, जो भी आपके पास हो। तो ये मटेरियल हो गया, चलिए अब मार्किंग शुरू करते हैं। मार्किंग करने के लिए आप कपड़ा लीजिए, इसको आप उल्टा बिछाएंगे। उल्टा बिछाने के बाद में आप इसमें मार्क करना शुरू करेंगे। अब कोई भी पीस ले लीजिए, जैसे कि ये एक मैं पीस ले रही हूँ, ये इसके टेल का पीस है, ये दो आपने काटने हैं वन रिवर्स करके। तो इसमें आप इस तरह से एक रखिए और एक इस तरह से रखिए। तो जितने भी हैं, जो ब्लू में है वो ब्लू में काटिए, और जो आपको येलो में काटने हैं वो येलो में, और जो वाइट में वो वाइट में आप काट दीजिए। तो आप चॉक लीजिए, पेन पेंसिल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इस तरह से आपने मार्किंग करनी है कपड़े पे। ये एक पीस हो गया, दूसरा पीस इस तरह से, इसी तरह से आपने सारे जितने भी कटिंग्स हैं वो आपने इस तरह से मार्क करने हैं, और मार्क करने के लिए के बाद आपने इसको कटिंग कर लेनी है सारे पीसेस की। तो जो भी ये पीस है, जहाँ पर भी आपने कट की मार्क लगाया है, उसके साइड में आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग हो गई है, चलिए अब इसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। ये इसके बॉडी, साइड बॉडी है, ये 2 पीसेस काटने थे इस तरह से और एक इस तरह से। ये बैक है, ये 1 पीस काटना था जो मैंने ब्लू में काटा है। टेल है, ये 2 पीसेस काटने थे, ये भी मैंने ब्लू में काटे हैं। ये विंग्स है, ये 4 पीसेस काटने थे, 2 इस तरह से रख के और 2 इस तरह से रख के, ये मैंने ब्लू में काटे हैं। ये इसकी टमी है, ये येलो कलर में, वाइट कलर में मैंने काटी है, आप येलो में भी, सेम कलर में भी ले सकते हैं। और ये इसकी बीक्स हैं, चोंच, जो मैंने रेड कलर में काटे हुए हैं। चलिए अब इनको ज्वाइन करते हैं।
सबसे पहले इसकी जो ये टमी है, अंडर बॉडी है, ये आपने इस बॉडी से काटनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है सी एंड डी, तो यहाँ पर भी मार्किंग किया हुआ है सी से डी, तो आपने इसको यहाँ से रख के इसका जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट से लेके और इस तरह से लेके यहाँ तक आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। तो आपने क्या करना है, इसको लीजिए, इसका देखिए सेंटर मार्किंग कर दीजिए। सेंटर मार्क करने के बाद में आप इसको यहाँ से पकड़िए इस तरह से, बिल्कुल सेंटर से, और इसको यहाँ से जोड़ना शुरू कीजिए। सुई में धागा डालिए और इस तरह से हाथ घुमा के और इसको इस तरह से आप ज्वाइन करना शुरू कीजिए। तो ये यहाँ से होते हुए और ये यहाँ तक, जहाँ तक ये आता है वहाँ तक आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। तो इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है, दूसरा है साइड, वो आपने दूसरे साइड से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से, यहाँ से इस तरह से दूसरे साइड से दूसरा पार्ट आपने ज्वाइन कर लेना है। अब बर्ड का बैक जोड़ते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से आपने, यहाँ तक आपने ये बैक जोड़ना है। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है ए से लेकर बी तक, ए से स्टार्ट करना आपने और इसको साथ में जोड़ते हुए बी तक ले जाना है। ये देखिए, ये बैक है इसका, ए से लेकर बी तक आपने जोड़ना है। यानी कि आपने क्या करना है, इसको यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह से, और बी इसके सेंटर में है तो बी तक आपने ये यहाँ तक इस तरह से जोड़ लेना है साइड में। ये मैंने ब्लू कलर में काटा है, तो आपने इसको यहाँ से लेना है और इस तरह से करते करते पूरा ये यहाँ तक जुड़ जाएगा, और जो दूसरा साइड है इसका वो दूसरे साइड से लेकर यहाँ तक आप इसको जोड़ देंगे। अब इसके विंग्स को जोड़ते हैं। देखिए, सीधा सीधा पार्ट आपस में रखिए और इस तरह से। अब आप इसको यहाँ से इस तरह से पूरा सिल दीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दीजिए जहाँ से हम इसको सीधा करेंगे और उसके बाद हम इसको फिल करेंगे। ये पूरा जोड़ के यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दीजिए। ये देखिए, विंग्स पूरा जोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने इसको खुला छोड़ा, यहीं से मैंने इसको सीधा कर लिया है। दोनों विंग्स रेडी है। इसकी टेल ज्वाइन करते हैं। टेल को भी आप क्या कीजिए, दो पीसेस हैं, मैंने ब्लू में काटे हैं। सीधा सीधा आप साथ में रखिए इस तरह से, सीधा सीधा पोर्शन, और इसको ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, बाकी यहाँ से पूरा इसको इस तरह से सिल। ये देखिए, ये बैक बॉडी भी जोड़ दी है, ये भी जोड़ दी है। अब यहाँ पर आपको ये दो कट्स मिलेंगे, एक नीचे वाला जो कट है उसको भी मैंने जोड़ दिया है। टमी भी जुड़ गई है, इसके विंग्स भी आपस में जोड़ दिए हैं और ये टेल भी आपस में जोड़ दी है। ये देखिए, यहाँ से खुला छोड़ा है, यहाँ से मैंने सीधा कर लिया था इसको, और इसी तरह से यहाँ पर खुला छोड़ा है, यहाँ से सीधा कर दिया था। अब इसकी हम आइज़ लगा देते हैं यहाँ पर। ये देखिए, जैसे मार्क लगा दीजिए पहले किसी भी चीज़ से, पेंसिल से या किसी भी चीज़ से, आप दोनों साइड से इस तरह पकड़ के और इस तरह से आप मार्क लगा दीजिए यहाँ पर, और उसके बाद में आप इसमें छोटा सा कट करके और हम इसकी आइज़ जोड़ देते हैं। और आइज जो है इसके अंदर से हम लगा देते हैं। और इसका वॉशर बंद कर देते हैं। देखिए, दोनों साइड से आइज लगा दी है। अब इसका हम यहाँ पर बीक, इसकी चोंच जो है वो जोड़ते हैं। ये देखिए, ये उसकी कटिंग्स है, टॉप पहला ये और बॉटम वाला। अब आपने इसको क्या करना है, इस तरह से रखना है, इस तरह से, और इसको आपने यहाँ से और यहाँ से सिल लेना है। ये वाला पोर्शन आपने ओपन छोड़ देना है। ये देखिए, हमने रेड में काटा है, ये यहाँ से भी सिल दिया मैंने, यहाँ से भी सिल दिया, और ये इस तरह से यहाँ पर ये वाला पोर्शन ओपन रह गया है। अब इस वाले को, जो ये टॉप वाला हिस्सा है, ये जो टॉप वाला हिस्सा है, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, ये आपने यहाँ से जोड़ना है इस तरह से, ये जो ये सेंटर से लेके, और इसका जो नीचे वाला सेंटर आएगा इस तरह से, ये नीचे वाले हिस्से आ जाएगा, और साइड साइड में आप इसको सिल लेंगे। जैसे कि ये ऊपर रखेंगे हम, ये देखिए,
ये इस तरह से यहाँ पर ये टॉप वाला हिस्सा यहाँ से जोड़ेंगे और उसको घूमते घूमते ये जो सेंटर का हिस्सा है ये नीचे वाले, और इसको पूरा इस तरह से आप यहाँ पर पूरे दोनों साइड से इस तरह से सिल लीजिए सिल लीजिए। तो ये पूरा आपने इस तरह से स्टिच करके इसको सीधा कर दीजिए। ये देखिए इसकी बीक चोंच जो है वो मैंने पूरी तरफ से साइड से सिल ली है। अब हमने इसको सीधा करना है। अब हम इसको यहाँ पर कट लगा के सीधा करेंगे, जहाँ से आप इसके ये हम विंग्स लगाएंगे इस तरह से, जो इसके विंग्स लगाएंगे तो यहाँ पर ये पोर्शन बीच में बंद हो जाएगा, तो यहीं से हम इसको कट लगाएंगे थोड़ा सा और यहाँ से मैं इसको सीधा करूँगी। थोड़ा सा यहाँ से काट देते हैं हल्का सा, देखिए, और यहीं से इसको हम अब सीधा कर लेंगे। ये देखिए सीधा हो गया है। अब यहीं से हम इसको थोड़ा थोड़ा फाइबर लेके आपने इसको फिल कर लेना है। जैसे पहले हम इसकी बीक फिल कर लेते हैं, तो यहीं से डाल के आप इसको पूरी बर्ड को फिल कर लीजिए। देखिए अब विंग्स को भी हम फिल करते हैं, लेकिन हमने विंग्स को बहुत भर के नहीं फिल करना है, बहुत थोड़ा थोड़ा हल्का सा फिल करना है हमने इसको। तो थोड़ा थोड़ा फाइबर लेके आप इसको डालिए और बहुत हल्का हल्का इसको आप फिल कर दीजिए। ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, लाइट लाइट रखना है आपने। और इसी तरह से आपने टेल में भी करना है, इसको भी आप फिल कर दीजिए बहुत लाइट लाइट। उसके बाद में इसको हम इनके कटिंग ओपनिंग को बंद कर देंगे। ये देखिए फिल कर दिया है। अब जो इसकी ओपनिंग है इसको हम भरते हैं। अंदर से सुई से धागा निकालिए, जो गांठ है वो अंदर को रह जाएगी, ऊपर से दूसरे साइड में लेंगे सुई और इस साइड। इस तरह से आपने इनकी ओपनिंग्स को बंद कर देना है। देखिए अब इन सबका जहाँ से फिल किया था वो मैंने बंद कर दिया है, इसका यहाँ से कट मार के मैंने फिल किया था वो भी बंद कर दिया है और इनका भी बंद कर दिया है। अब इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, वो पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहे तो करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपने इसी तरह से इनको अटैच कर देना है। तो ये जैसे विंग्स है यहाँ अटैच हो जाएंगे इस तरह से, और जो ये टेल है ये यहाँ इस तरह से अटैच हो जाएगी। लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं एक पेंसिल से निशान लगा रही हूँ। देखिए अब येलो कलर का धागा लिया है मैंने, डबल इसको डबल किया है मैंने, देखिए डबल स्ट्रैंड लिया है मैंने। अब इसको मैं यहाँ से ऊपर से मैं इसमें इसमें सिलाई लगा दूंगी। देखिए इसको डबल मैंने लिया है, उसके बाद मैं इसमें जो ये निशान अपने लगाया है पेंसिल, इसी से लेना है और थोड़ा सा खींच खींच के आप इसको देखिए इस तरह से। अब ये आप पे है, अगर आप करना चाहे तो करिए,
नहीं तो आप इसको इसके बगैर भी सिंपल लगा सकती हैं। तो इस तरह से ये देखिए ऐसे लाइन बनेगी। अब यही लाइन मैं इस टेल में भी लगाऊंगी, तो इसमें भी मैं जो ये निशान है इनको मैं इस तरह से यहाँ से पेंसिल से मार्क कर दीजिए, पेंसिल से चौक से जिससे भी आप कर सकती हैं, जो आपको विजिबल हो दिखे उससे आप इसको निशान लगा दीजिए। और यहाँ पर भी मैं इसी तरह से सेम इसका ये इस तरह से बना दूंगी। ये देखिए मैंने एक वाला विंग रेडी किया है, ये इस तरह से आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। इसमें ये सिलाई येलो से मैंने लगाई है इस तरह से। उसके बाद मैंने इसमें एक मेरे पास मोती था वाइट कलर का, वो भी मैंने इसमें सेंटर में लगा दिया है। ये भी अगर आप लगाना चाहें तो लगाइए, तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, बस मैंने ऐसा लगाया, इससे थोड़ा सा गेटअप इसका अच्छा आ जाएगा। तो आप इस तरह से आपकी विंग्स टेल दोनों और दोनों विंग्स टेल और दोनों विंग्स रेडी कर लीजिए। उसके बाद फिर हम इसको इसमें अटैच करेंगे। देखिए अब विंग्स और ये टेल भी मैंने रेडी कर दी है। अब सबसे पहले हम इसकी टेल ज्वाइन करते हैं। तो टेल ज्वाइन करने के लिए आप इसको इस तरह से रख के यहाँ पर सिल दीजिए। उसके बाद इसको इस तरह से आपने करना है, यहाँ पर ये टेल लगेगी। तो यहाँ पर ये देखिए इसकी टेल मैंने ज्वाइन कर ली है। अब इसके विंग्स ज्वाइन करते हैं। तो अब इनको इस तरह से रखेंगे आप, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर आप इसको सिल लीजिए, दोनों को इस तरह से आप अटैच कर दीजिए। अब इसको आप थोड़ी सी एक सिलाई आप इधर भी लगा दीजिए, ये बंद हो जाएगा, और एक छोटी सी सिलाई आप इधर लगा दीजिए, तो ये इस तरह से बंद हो जाएगा। इधर से भी सिल, छोटा सा इधर से सिल दीजिए। तो इस तरह से ये दोनों साइड के विंग्स आप इसमें लगा दीजिए। ये देखिए दोनों साइड के विंग्स लगा दिए हैं, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर भी सिल दिया है, यहाँ पर भी सिल दिया है, ये इससे बंद हो गया। अगर आप चाहें तो इसको फेविक्विक से भी चिपका सकती हैं, ये साइड साइड की जो किनारा है उनको आप इधर से फेविक्विक डाल के उसमें उसको भी इस तरह से चिपका सकती हैं। अब देखिए ये हमारी छोटी सी क्यूट सी बर्ड बिल्कुल बन के रेडी है। ये देखिए इस तरह से, कैसी लगी आपको? आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी है, और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।